अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मलिक व्लॉग्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर लें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि माही कहेगी कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सकें तब वो मोहब्बत काबिले एतबार नहीं हो सकती। इसके बाद इस ड्रामा में असल ट्विस्ट तो तब देखने को मिलेगा जब माही की हकीकत सब घर वालों यानी इसके अब्बू और शायद की अम्मी अब्बू और बहन पर खुलेगी, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये सब जान जाएंगे कि साद ने शादी से इनकार क्यों किया था और इन पर ये हकीकत खुल जाएगी कि शादी से इनकार साद ने नहीं बल्कि माही ने खुद किया और वो किसी और लड़के को पसंद करती थी। इस पर साद का अबू अजहर के पास आएगा और गुस्से से बोलेगा कि तुम्हारी बेटी को अगर कोई और पसंद था तो तुमने मेरे बेटे साद के कंधे पे बंदूक क्यों रखी। इस मौके पर साद की अम्मी भी बोलेगी और कहेगी कि अजहर तुम्हारी बीवी और बेटी तो यही समझती हैं कि हम इनके सामने नाक रगड़ते फिरें। इस पर माही का अबू बहुत शर्मिंदा होगा और शर्म से इसका सर झुक जाएगा और वो अपने भाई और भाभी से कहेगा कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसे। इस पर साद के अबू भी अपने भाई की इज्जत की खातिर मान जाएंगे और माहिर की रुखसी पर मादा हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि माहिर कहेगी कि साद जैसे शख्स पर भरोसा किया मैंने और इसकी सजा भी मिल गई है मुझे। इसके बाद माही की रुखसती होगी। साद कहेगा कि ख्वाहिश तो ये थी कि तुम्हारी खुशी शामिल हो इस बंधन में, लेकिन तुम तो सिर्फ इस बंधन में बंद हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, साद माही को खुश रख पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।